तमाम तर तनाज़ात शिकायात और बयानात के बावजूद सियासी जमातों ने बर्दबारी का मुजाहरा किया और अब मुल्क में हुकूमत साजी का अमल शुरू हो रहा है। अहम उहदों की तैनातियों का फैसला हो गया है। अप्रैल 2022 की तरह नून लीग की मखलूत हुकूमत में इस मरतबा पीपल्स पार्टी हिस्सेदार नहीं, ताहम हुकूमत की हिमायत ज़रूर करेगी, जिसके एवज पार्टी ने अहम आइनी अहदे हासिल कर लिए हैं। गुज़श्ता रोज दोनों पार्टीज की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आसिफ ज़रदारी सदारत का मनसब संभालेंगे। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर्स हासिल न होने का ऐलान भी किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुज़ाकराती टीम्स के दरमियान 6 इजलास हुए, जिसके दौरान अहम अहदों से मुतालिक फैसले हुए। बताया गया है कि सेनेट का चेयरमैन का अहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा, जिसके लिए यूसुफ रजा गिलानी पार्टी की जानिब से उम्मीदवार हो सकते हैं। डिप्टी चेयरमैन का सेनेट नून लीग का होगा और इसी तरह से स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग से होगा, जबकि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी तैनात करेगी। इसके अलावा केपी और पंजाब के गवर्नर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे और सिंध में गवर्नर नून लीग तैनात करेगी। नून लीग गवर्नर सिंध का अहदा मखलूत हुकूमत के तहदी MQM को भी दे सकती है। इसके अलावा बलूचिस्तान में नून लीग और PPP मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जहां गवर्नर नून लीग से हो सकता है, जबकि वजीर आला के लिए पीपल्स पार्टी के सरफराज मुफ्ती का नाम सामने आ रहा है और उनके अलावा सनाउल्ला जहरी का नाम भी उम्मीदवारों में शामिल है। गोया तमाम अहम अहदों पर तैनातियों का फैसला हो चुका है, बस अब सिर्फ वफाकी काबीना के अहदे तय होना बाकी हैं। आम इंतखाबात के इनेकाद को 2 हफ्ते होने को हैं। जुमेरात 25 फरवरी तक हतमी सरकारी नतज का गेजट जारी हो जाएगा और 29 फरवरी तक असम्बली का इजलास बुलाना आइनी तकाजा है। इस जो फैसले हुए हैं, एक हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। इसमें यह पता चल गया है कि आइनी अहदों पर किस किस जमात का अहदेदार नामजद होगा। इन तमाम के बावजूद हुकूमत की मुस्तकबिल के हवाले से और इस आने वाली हुकूमत के हवाले से इस दौरान पाकिस्तान की जो सूरत हाल बनती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बाखर सज्जाद, सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बाखर सज्जाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि बहुत पहले तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कोई बात बन नहीं रही पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और कल दोपहर तक ये सूरत हाल थी और बिलावल भुट्टो ने बहुत ही सख्त बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि एक बहुत ख़तरनाक तातुल है और फिर अचानक चंद घंटों के अंदर ऐलान हुआ कि तमाम मसाइल हल हो गए हैं और तमाम चीज़ें हल हो गई हैं और फौरन ऐलान हो गया कि जी के ये अहदा किस जमात के पास जाएगा, ये अहदा किस जमात के पास जाएगा। काफ़ी ड्रामाई डिवेलपमेंट हुई आखिरी चंद घंटों में। कमरान साहब, जो ये इलेक्शंस हुए थे, इसमें जो सबसे बड़ा गोल था पूरे मुल्क के लिए, वो ये था कि किसी तरह से यहाँ पर सियासी इस्तेकाम दोबारा से बहाल किया जाए ताकि जो निज़ाम हुकूमत आगे चल सके। बिलाशुबा जिस तरह आपने बयान किया कि पीपल्स पार्टी और PMLN में मुआहदा तय पा गया है और इनके अलावा कुछ छोटी पार्टीज़ और भी हैं जो इस रूलिंग कोलिशन में शामिल होने को तैयार है, जिससे एक हुकूमत साजी का अमल शुरू हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस्तेकाम की जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN का रिलेशनशिप बनाया गया है, ये एक बेजोड़ शादी की तरह से है, जिसमें पीपल्स पार्टी मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाह रही है एट द कॉस्ट ऑफ PMLN। उन्होंने आपकी कैबिनेट में हिस्सा बनने का, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में हिस्सा बनने का वादा नहीं किया, लेकिन सदर का अहदा ले लिया, गवर्नर के अहदे ले लिए। PMLN हमेशा मरहूने मिन्नत रहेगी अपनी कंटिन्यूटी के लिए पीपल्स पार्टी पर। और अगर आज आप सारा दिन लोगों के तबसरों को सुने तो कोई भी ऐसा शख्स मुझे नज़र नहीं आया, माँ सिवाय कोई जो पार्टी एक्टिविस्ट हैं PMLN के, वो जो इस हुकूमत को कोई लंबा अरसा देना मतलब दे रहे हो, एक और उसकी बेशुमार। लेकिन बाकी साहब, ये तो पाकिस्तान में कोई बड़ी ज़बरदस्त अक्सरियत वाली का भी नहीं पता होता कि कितने दिन वो सरवाइव करेगी। पाकिस्तान की तो एक अजीब सूरत हाल है और ये तो जाहिर है कि कमज़ोर हुकूमत है, लेकिन वो जो ज़रूरियात या जिस वजह से तहरीकें जन्म लेती हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलती है, एक मोबिलाइजेशन होती है, फिर धरने होते हैं, तो उसके पीछे एक पूरी और भी कुव्वत होती है ना। अगर वो ना हो तो फिर पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम इतना आसान तो नहीं होगा। खाली अवाम का नेचुरल रिस्पॉन्स या अवाम का अचानक सड़कों पर निकल आना, वो तो होता भी नहीं है पाकिस्तान में कभी। ये तो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज कैंपेन और फिर ही कुछ होता है। नहीं कामरान साहब, हमेशा से जो होता है एक्सटर्नल फोर्सेस पे शायद हमारी
मतलब रिलायंस के मतलब बैरूनी मुल्क नहीं क्या ना जो कि आवाम के अंदर से नहीं बाहर से जो है कुवतें वो स्टर करें अनरेस्ट या इंस्टेबिलिटी वो उस तरह से नहीं होगा। अभी आपने इंतखाबात को देख लिया किस तरह से बिल्कुल गैर मुतवक्के किस्म के नतायज आए, लेकिन एक आप अपने इर्द गिर्द माहौल देखें कि जहाँ पर अब आपके सामने एक IMF का मुआहदा बिल्कुल इमिनेंट है और उसके लिए आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, पीपल्स पार्टी आपको नज़र आ रही है रिलक्टेंट है कोई भी मुश्किल फैसला लेने की, वो अपने ऊपर तो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रही, तो इस सूरत हाल में क्या शहबाज शरीफ अपना अकेला ये फैसला कर सकेगा? और अगर शहबाज शरीफ साहब की अपनी हुकूमत को ही देखें तो एक तरफ उनको मरियम नवाज से मुकाबला होगा अगर चूंकि अपनी पार्टी की चीफ मिनिस्टर हैं, सबसे बड़े प्रोविंस में आ रही हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी की रिवाइवल के लिए किसी मुश्किल फैसले को नहीं मेरे ख्याल में सपोर्ट करेंगी। इसी तरह से उनको नवाज शरीफ पे भी डिपेंडेंट होना पड़ेगा, तो ये काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है। और ऐसे में ये सारी सूरत हाल ऐसे में अनफोल्ड हो रही है जब जहाँ पर मुल्क के अंदर एक स्टोलन मैंडेट की बात हो रही है, चोरी शुदा इलेक्शंस की बात हो रही है, आज 2 हफ्ते गुजरने को हैं इलेक्शन को, लेकिन अभी तक एक जो जो PMLN या इलेक्शन कमीशन या दूसरे जो अभी से जो नई हुकूमत जन्म लेने जा रही है वो उन्होंने कोई क्रेडिबल किस्म का काउंटर नैरेटिव भी नहीं दे सके कि जनाब वो इलेक्शन चोरी नहीं हुए। तो जब लोगों पर तकालीफ बढ़ेंगी लोग अपने आप को ला महाला PTI के साथ एसोसिएट करेंगे, यही चीज हमने 16 लेकिन अगर ये कि कोई पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं होता, सड़कों पे कोई टर्मोइल नहीं होता और मईशत जो है उसमें कुछ स्टेबिलिटी के आसार नज़र आते हैं, फिर कंसोलिडेशन नज़र आती है, जो IMF के साथ प्रोग्राम है वो हो जाता है और इंटरेस्ट रेट कम होता है, मईशत बेहतर कारकर्दगी कुछ बेहतर कारकर्दगी दिखाने लगती है, तो फिर इस हुकूमत के लिए तो चैलेंज जो है वो तहलील होगा ना, वो हालात में बेहतरी आएगी। कमरान साहब, मैं आपकी ऑप्टिमिज्म शेयर नहीं करता इस मसले में कि ये इतनी आसानी से रास्ता तय नहीं होने लगा कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए। आप मिसाल के तौर पे देखें कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो है उनके प्रिंसिपल्स और उनके जो मैनिफेस्टोज में इतने डाइवर्जेंस हैं कि मिसाल के तौर पे प्राइवेटाइजेशन के ऊपर देख लें या दीगर जो चीज़ें हैं उसके ऊपर देख लें, इनके दरमियान इतने इख्तलाफात हैं कि ये IMF की शराइत को पहले तो मानेंगे किस तरह से एक दूसरे के साथ बैठकर, और उसके बाद जब मैं बार बार वो कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन के वो तो अभी इसीलिए तो दूर रह रहे हैं, क्यों नहीं किसी को वजारतें अच्छी लगती, वो इस वजह से कि वो जो कॉस्ट आनी है जो पॉलिटिकल कॉस्ट आनी है IMF के साथ एग्रीमेंट वो कोई नहीं बर्दाश्त करने को इस वक्त तैयार है। तो लिहाजा मैं आपकी इस ऑप्टिमिज्म को शेयर नहीं करूंगा कि एक दफ़ा IMF का मुआहदा हो गया और फिर आगे चीज़ें आसान होती जाएंगी। मैंने आपको बिल्कुल जो ले ऑफ द लैंड बता दिया है कि शहबाज शरीफ को ना तो सिर्फ कोलिशन से चैलेंज का है अपनी पार्टी के लोगों में से, जी हम सब चाहते हैं मेरी के तो मुल्क के अंदर इस्तेकाम है, लेकिन है कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की कोई किरण फूटे, चाहे दो अल्फाज बेहतर करने से फूट सकती हो और अल्लाह करे कि उसमें कोई हकीकत हो, क्योंकि अब बहुत हो गया ना, अब कितना सहेगी ये कौम। बहुत शुक्रिया जनाब बाखर सज्जाद, हमारे साथ मौजूद थे मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से। कमर्शियल ब्रेक।